दूसरी बार शादी टूटने से युवती की लगा सदमा, इलाज के दौरान हुई मौत। जिस परिवार में 26 अप्रैल को शहनाई बजनी थी वहां मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। एक ऐसा परिवार जहां बीते 29 फरवरी को भी शादी का मंडप बना लेकिन शादी नहीं हो पाई। अब 26 अप्रैल को फिर से यहां शहनाई बजने की तैयारी चल रही थी लेकिन ये भी शादी टूट गई। इससे हरैया उपी क्षेत्र के भरतमही गाँव निवासी शिव शंकर तिवारी की पुत्री खुशी को सदमा लगा और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हरैया ओपी क्षेत्र के पंटोका पंचायत स्थित भरतमही गांव के शिवशंकर तिवारी की पुत्री खुशी कुमारी की शादी बीते 29 फरवरी को होनी थी लेकिन उसी दिन खुशी को जबरदस्ती घर से भगा लिया गया। इसके बाद परिवार ने इसकी शिकायत थाने में की और केस दर्ज होने के बाद आरोपियों ने खुशी को मोतिहारी एक महिला के पास छोड़ दिया। इन सब के बीच जैसे तैसे आगामी 26 अप्रैल को दूसरा रिश्ता नरकटियागंज में तय कर शादी की तैयारी चल रही थी लेकिन लड़के वाले को पहली घटना की खबर लग गई। इसके बाद लड़के वालों ने 30 मार्च की शाम को शादी से इनकार कर दिया। प्यार में धोखा मिलने के बाद टूट चुकी खुशी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसकी तबीयत खराब हो गई जहाँ पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।